अब इसको और ये हमें लगभग पड़ गया भाई 24,000 रुपए का। ये लड़का पागल है, पागल हो गया, पागल। सो गाइस ये रहा फोन ब्रांड न्यू मम्मा के लिए। फैन दो इसको, ये क्यों रख रहे हो, फेंको इसको। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप लोग, होप आप सब बढ़िया ही होंगे और होने भी चाहिए। सो गाइस आज का सीन ये है, मतलब आज का सीन नहीं है, सीन ये कल का है। कल का सीन क्या हुआ आपको पता है भाई, अभी तक मैंने ना अपनी मम्मा को अपने पैसे से एक भी गिफ्ट नहीं दिया है। मतलब गिफ्ट क्या, मतलब कोई भी चीज कह लो, तो कोई भी चीज मैंने अपने पैसों से अपनी मम्मा को खरीद कर नहीं दी है, ठीक है। अपने ऊपर ही पैसे लगाए हैं, अपनी चीजें ली है, मतलब जो भी है, ठीक है, हर एक चीज इंपॉर्टेंट ही थी वैसे जो मैंने ली है। सो गाइस बात बस ये है कि कल मेरी मम्मा का फोन, ये है मेरी मम्मा का फोन, ठीक है। कल मेरी मम्मा ने फोन लगाया हुआ था चार्जिंग, और वो भी इन्वर्टर पे, ठीक है। तो जैसे भाई लाइट आई, फोन से भाई धमाका हुआ और फोन ये सड़ गया, इसका आईसीयू सड़ गया। तो इस फोन का आईसीयू जो है वो ठीक नहीं होता है, मतलब इतने का तो फोन ही आ जाएगा, ये वाला इतने का इसका आईसीयू ठीक होता है, ठीक है। तो मैंने अभी तक मम्मी को बताया नहीं कि मैं उनके लिए एक फोन लेने वाला हूँ, ठीक है। मम्मी क्योंकि बाहर गए तो फटाफट मैं इंट्रो शूट करने आ गया। आज मैं देने वाला हूँ अपने खुद की कमाई से अपनी माँ को एक छोटा सा गिफ्ट, मतलब फोन लेके देने वाला हूँ एंड्रॉइड, ठीक है। तो नॉर्मल सा, ज्यादा नहीं, क्योंकि भाई अभी मेरी यूट्यूब की पेमेंट नहीं आई है, ठीक है। तो मेरे से जितना भी हो पाएगा बेस्ट फोन लेंगे, अच्छा जो मम्मी को भी पसंद आएगा, ठीक है। तो मैंने सोचा क्यों ना भाई आज अपनी मम्मा को गिफ्ट दे दूं, तो इसलिए मैंने सोचा चलो भाई इस पे प्यार सा व्लॉग बनाता हूं, ताकि अगर आप भी अपने दम पे पैसे कमा रहे हो ना, तो आप भी एक ना एक चीज छोटी मोटी अपने पेरेंट्स को गिफ्ट करते रहो, ठीक है। तो अभी तो मैं अपनी मम्मा के लिए एक फोन लेके आने वाला हूं, उनको मैंने बस ये बोला है कि ये फोन ठीक करवा दूंगा, ठीक है। बट मेरे को पता नहीं था ये फोन ठीक नहीं होता है। बट गाइस ये व्लॉग इतना सिंपल तो होने वाला है नहीं कि मैं फोन लेके आऊं और अपनी मम्मा को पकड़ा दूं। तो गाइस मैंने आज करना क्या है मैं आपको बता देता हूं पहले ही। सो गाइस जो मैंने मम्मी को फोन देना है वो मैं लेके आऊंगा, एंड गाइस मम्मा बेड पे बैठे होंगे, मतलब कहीं पे भी अगर बैठे होंगे, ठीक है, तो उनका ये वाला फोन लूंगा और बातों बातों में ये वाला फोन तोड़ दूंगा नीचे फेंक के जोर से, ठीक है। तो भाई वो रिएक्शन बहुत खतरनाक होने वाला है मम्मा का। एंड देन जब मम्मा गाली वाली दे देंगे, मारेंगे, मुझे नहीं पता वैसे क्या रिएक्शन होगा मम्मी का, क्या करेंगे, तो भाई मार तो पड़ने वाली है, ठीक है। तो उसके बाद मैं दूंगा मम्मी को ब्रांड न्यू फोन, ठीक है। तो अगर चलो अभी निकालते हैं अपनी जीनोसो बाहर, और ऋषभ को भी मैंने बुला लिया तो उसको लेके चलेंगे, क्योंकि जब दो बंदे फोन पसंद कर रहे हो तो चॉइस बनी जाती है। तो गाइस चलो निकालते हैं जीनोसो बाहर। ये रही अपनी Z900, और आपको मैं बता दूं भाई अपनी बाइक की सर्विस हो चुकी है। वो व्लॉग मैंने बनाया नहीं था क्योंकि भाई मेरा पूरा दिन ही चला गया था सर्विस कराने में, तो इसलिए मैंने वो व्लॉग नहीं बनाया था, ठीक है। प्रॉपर सर्विस हो गया, ऑयल वगैरह सब कुछ। जानू ने शायद वो व्लॉग डाला होगा, पता नहीं, उसने शूट तो किया था। तो गाइस एग्जॉस्ट का सीन है कि हमें एग्जॉस्ट चेंज करवाना ही पड़ेगा। मेरा एग्जॉस्ट यहाँ से ना टूट चुका है, शायद आपको कैमरे में ना दिख रहा हो, देख सकते हो यहाँ से ये ब्लैक ब्लैक जो आपको दिख रहा है ना, ये एग्जॉस्ट टूट चुका है। वो तभी इसकी आवाज़ जो है भाई वो ज़्यादा लाउड नहीं आ रही है, मतलब अजीब सी आवाज़ आ रही है, समझ रहे हो, बेस बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। बाइक की सर्विस हो चुकी है, ठीक है, अब खाली इसका एग्जॉस्ट का काम रह गया हुआ है। सो गाइस अभी चलते हैं मम्मा के लिए फोन लेने के लिए। भाई मौसम भी बहुत ज़्यादा खराब हो रखा है, तो बट बारिश तो हल्की हल्की पड़ ही रही है। एंड गाइस बाकी की बाइकें लगी हुई है वहाँ पे, देख सकते हो, वो लगी है मेरी ड्यूक, और वो ऋषभ की अवेंजर, और आगे लगी है पल्सर। गाइस आपको मैं बता दूँ इसके जो बैक फायर है ना वो तो अच्छे बचते हैं, लेकिन ना पहले पहले इसमें आग भी निकलती थी, समझ रहे हो, बट आजकल आग जो है ना वो देख लो निकल ही नहीं रही है, कम निकल रही है, बहुत ही कम। ये देखो भाई इसमें बैक फायर अच्छा बज नहीं रही है और आग भी नहीं निकल रही है। तो कोई बात नहीं, बहुत जल्दी अब एग्जॉस्ट लगाने वाले हैं, ठीक है। सो गाइस देख सकते हो मैं निकल चुका हूँ, और ऋषभ मेरे पीछे बैठा हुआ है। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं भाई गांधीनगर में, क्योंकि गांधीनगर में मोबाइल्स की काफी सारी शॉप्स है, तो वहां पे जाके देखते हैं भाई कौन सा मोबाइल हमें पसंद आता है। तो मैं तो ये सोच रहा हूँ कि भाई वन प्लस ले लूँ, क्योंकि आपको पता है वन प्लस के जो फोन है वो काफी अच्छे होते हैं। तो चलो वो वहां पे जाके देखते हैं भाई कौन सा मिलता है कौन सा नहीं। तो हमें थोड़ा जल्दी जाना पड़ेगा, क्योंकि भाई हल्की हल्की सी बारिश हो रही है, मेरे हाथों में पड़ रही है। एंड गाइस एक बात और आप लोगों को बता दूं, जैसे कि आप लोगों को पता है भाई वैलेंटाइन वीक चल रहा है, समझ रहे हो ना, रोज डे चॉकलेट डे अभी चल ही रहे हैं, मतलब हो चुके हैं वैसे, आज शायद चॉकलेट डे है। तो सांची को ना मैंने रोज दिया भाई ना चॉकलेट दिया, क्योंकि सांची है भाई अपनी यूनिवर्सिटी, ठीक है, तो मे भी वो कल आ जाएगी। तो गाइस पिछले तीन दिन में जो भी था भाई उसे दे देंगे, रोज डे चॉकलेट डे, ठीक है ना, तो उसे ही दे देंगे। और भाई सारा वैलेंटाइन वीक उसके साथ मनाऊंगा मैं, समझ रहे हो, क्योंकि भाई ये पहला साल है मेरा उसके साथ, तो एक एक चीज में मनाऊंगा उसके साथ, समझ रहे हो ना। मेरे को पता है ये निब्बा और निब्बी वाले काम है, बट चलो कोई नहीं यार, एक बार तो करना बनता ही है, क्योंकि भाई मेरे को सांची का भी रिएक्शन देखना है कि इन सब चीजों में वो कैसे रिएक्ट करेगी। यहाँ से एक बिल्ली मारते हुए चलेंगे। बारिश बहुत ज्यादा तेज चल रही है। सो गाइस अभी मैं कैमरा बंद कर रहा हूँ, आपसे ना आगे चल के मिलता हूँ। ओहो भाई साहब, इस
फाइनली मैंने भाई मोबाइल ले लिया, मैं आपको दिखाता हूँ गाइज़। मैंने मोबाइल लिया है MI का और ये है भाई K50i, तो काफ़ी अच्छा लगा मेरे को फ़ोन। और भाई क्या हाल चाल? बढ़िया। और थैंक यू ओके। तो गाइज़ ये लिया भाई फ़ोन Redmi का K50i, ये हमें लगभग पड़ गया भाई 24,000 रुपये का, क्योंकि भाई काफ़ी अच्छा फ़ोन है, काफ़ी मैंने भाई चला के देखा। ये रहा इसका बिल। तो इसकी रैम है भाई 6 GB और 128 GB इसकी स्टोरेज है। तो चलो भाई अब चलते हैं लेके, देखते हैं भाई मम्मी का रिएक्शन क्या रहता है इस फ़ोन को लेके। सो गाइज़ ये डलवा देते हैं बैग में, जल्दी खोल भाई और बैग चेक करो। ये अपना बम्बलबी वाला बैग, ये देखो देख रहा लाइट बस कर भाई डाल दे बैग में। सो गाइस निकलते हैं अब यहाँ से। छोटी सी चीज़ लिया 24,000 रुपए की, लेकिन भाई मेरे को खुशी इतनी हो रही है क्योंकि अपने पैसों से आज मैं अपनी मम्मा को गिफ्ट दे रहा हूँ मोबाइल। तो मैं आप लोगों से बस यही बोलूंगा भाई, मेहनत करो, आप भी ऐसी चीजें करो भाई, बहुत अच्छा लगता है। वैसे भी मेरी मम्मा ने ना भाई मेरे लिए बहुत कुछ किया है, समझ रहे हो, बहुत कुछ, मैं वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो गाइस अभी चलते हैं, फटाफट चलते हैं मम्मी के पास और प्रैंक भी तो करना है, अभी तो हमें फोन भी तो तोड़ना है। तो गाइस चलो मजेदार मिली भाई। हो एक और मिली अलग लेवल का मजा आ रहा है भाई आज। गाइस फाइनली मैं घर के बाहर पहुंच चुका हूँ, ठीक है। तो फटाफट बाइक लगाते हैं और चलते हैं अंदर। पहले मैं भाई कैमरा वगैरह सेट करूंगा, देन भाई फिर मम्मी को बुलाऊंगा, देखते हैं भाई क्या सीन रहता है। सो गाइज फाइनली अभी तुम्हारा भाई घर पे आ चुका है, ठीक है। मैं आ चुका हूँ अपने रूम में, तो अभी मैं भाई कैमरा वगैरह सेट करने वाला हूँ। मम्मा मेरी छत में गए हुए हैं, बट कैमरा सेट वगैरह करते हैं और देन वेट करते हैं मम्मा के आने का। अभी मम्मा आने वाली है, ठीक है। मम्मी को मैंने आवाज लगाई है, तो अब देखते हैं भाई मम्मा क्या बोलती है। भाई जो मैं चाहता हूँ बस वैसा प्लान अगर मेरा हो जाए ना भाई, मजा आ जाएगा आपको वीडियो में, तो वीडियो में बने रहो। निकले कुछ खाने के लिए तो देती हूँ, उधर गया कहाँ था, व्लॉग में नहीं गया था, और कहाँ जाना है यार। यार 2 दिन से मेरा फोन नहीं चल रहा, तो फोन तो ठीक करवा के दे, खुद तो फोन चला रहा है तो मैं क्या चलाऊं, बोर हो रही हूँ, कभी छत पे कभी इधर कभी उधर। वो नहीं होगा ठीक। क्यों? मुझे नहीं पता यार क्यों नहीं होता ठीक, ठीक करो उसको, नया लेना पड़ेगा आपको, वो खटारा हो गया, अब फेंक दो उसको। इसको तो देखा हाँ, हुआ क्या है, ये नहीं होगा ठीक। मैंने बड़ी कोशिश की, मैंने ये नहीं चलेगा, तू फिर से देख एक बार हुआ क्या इसको, ऑन ही नहीं हो रहा, सड़ गया है अभी। बंदा बोल रहा है इतने का फोन नहीं आ जाता जितने का ये ठीक होगा, तो अब क्या करूं, अब इसको ओ रब्बा, अब इसको ओ रब्बा, ये क्या किया, तोड़ दिया फोन और क्या किया, ये लड़का पागल, ये क्या किया तूने, क्या किया ये, अब कोई फायदा नहीं है इसका, तो तोड़ा क्यों, तोड़ा क्यों ये, देखना ये लड़का पागल है, पागल हो गया, पागल खराब, मैं बोल रही हूँ ठीक करवा इसको, तो तूने तोड़ ही दिया ये नहीं होता ठीक। अब माँ क्यों नहीं होता यार, क्या चीज नहीं होती, अब हो जाएगा वैसे, अब ठीक तो हो जाएगा। हे भगवान ये लड़का पागल हो गया है। सिम निकाल लो इसमें, अब सिम निकालो इसमें, क्या निकालनी है, क्या तोड़ दिया, नया ही था, ये होना ही नहीं है ठीक। अब मुझे नहीं पता, मेरे को वैसे ही गुस्सा चढ़ा हुआ है बहुत ज्यादा, आपको फोन रखना ही नहीं है, नहीं तोड़ा क्यों, मैं खुद करवा लूं, क्यों नहीं रखना फोन, नहीं रखना फोन, क्यों नहीं, आप फोन में लगे रहते हो, फेंक दो इसको, ये क्यों रख रहे हो, फेंको इसको, ओहो मेरा भाई, लड़का देखना कोई बेकार फोन, हालत ही नहीं है उसकी अब, चल ठीक होने वाली, अब बटनों वाला चलाओ अब, नहीं नहीं आप जब से फोन आपके अच्छा, पास बटने, खुद तो ये टच चला रहा है और मैं बटन वाला चलाऊं, क्यों आप फोन में ही लगे रहते हो, ठीक है हाँ? आप ऐसे करके फोन चलाते हो, ऐसे करके आंखें खराब हो जाएंगी, आप मैंने बटन, अब मैं बटन वाला क्यों चलाऊं, मैंने बटन वाला फोन लाया हुआ, मैंने अब लाया, अब आप कीपैड वाला फोन चलाओ, सीधी सीधी बात है, उधर हो जाओ पहले, उधर हो जाओ, उधर होके बैठो, इसमें नया फोन लाया आपके लिए कीपैड वाला, ठीक है ये लो, फोन के बाहर से भी पता चल जाता है, नो रिएक्शन फिलहाल अभी तक, आपको नहीं पता चला यार, मम्मा यार आप भी इतने जल रहे हो, आपको पता नहीं चल रहा ये फोन कौन सा है, कैसा लगा फोन निकालो। सो गाइस अदा कुछ खतरनाक रिएक्शन तो निकला नहीं वैसे मम्मी का वाह wow.
कैसा फोन है बस बस इतना 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 नहीं तो बताओ माँ फोन आपको लगा कैसे? बहुत अच्छा। अच्छा लगा? बहुत अच्छा। अभी ओपन तो करो, अभी बाहर से ही देखा आपने, कुछ ज्यादा खतरनाक वाला रिएक्शन रहा नहीं। मेरे को लगा था मम्मी तो भाई मतलब खुशी के आंसू नहीं निकाले आपने। वो तोड़ा तो दुखी के ही हुए, मुझे वो तोड़ दिया ना वो ऐसे रख देता अंदर। वो ठीक मैंने पता किया था, वो फोन ठीक नहीं होता है, फिर भी रखा ऐसे रख देता अंदर। ऐसे क्या जो चलना ही नहीं था वो, उसका आईसीयू सड़ गया था, तो इतने का फोन नहीं आ जाता जितने का आपका वो ठीक होना था। फोन ऑन कर दिया हुआ है, सिम वगैरह भी डाल दिया है। मम्मा कैसा फोन लगा सच बताना? बहुत अच्छा। सो गाइस ये रहा फोन ब्रांड न्यू मम्मा के लिए। स्माइल तो कर दो थोड़ा सा, खुशी देख रहे हो। सो गाइस फाइनली करते हैं आज के व्लॉग को यहीं पे एंड। भाई आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरे को बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। आज मैंने अपने पैसों से अपनी मम्मा को एक छोटा सा भाई मोबाइल गिफ्ट करा है, तो मम्मा अच्छा लगा ना? पक्का अच्छा लगा ना? सो गाइस करते हैं आज के व्लॉग को यहीं पे एंड। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। एंड गाइस लास्ट में मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि आप भी ऐसी छोटी मोटी चीजें अपने पेरेंट्स के लिए किया करो भाई, बहुत खुशी मिलती है। तो गाइस करते हैं आज के व्लॉग को यहीं पे एंड। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट मस्त व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहां पे नहीं खड़ा हूं।